हेलो एवरीबॉडी गाइस, मैं हूँ एक नई वीडियो के साथ मुनीब रहमान एम आर पी स्टेक के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन कौन सी गेम्स बिना ग्राफिक कार्ड के अपने डुअल को या पोर्टेबल सिस्टम में खेल सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी गेम्स हैं ये बगैर ग्राफिक कार्ड के हम आसानी से खेल सकते हैं, इसके लिए हमें ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास गेम है वो है 2004। ये गेम जो बगैर ग्राफिक कार्ड के आप आसानी से खेल सकते हैं। और दूसरी गेम हमारे पास है नीड फॉर स्पीड सीरीज, जो कि बहुत एक पुरानी सीरीज है, लेकिन आप पोर्टल और गोल कॉल पे आप इसको खेल सकते हैं। ये आपको अच्छे ग्राफिक्स देगी क्योंकि इसकी वीडियो मेमोरी बहुत कम है, तो ये आपको खेलने में आसान है। दूसरी गेम है हमारे पास जस्ट कॉज, सिंपल जस्ट कॉज 2006 की इसकी रिलीज है और ये बहुत अच्छी गेम है। और आजकल इसके न्यू वर्जन जो आए हुए हैं वो बहुत ही आउटक्लास है, मतलब बहुत इसके बहुत काफी बहुत रियलिस्टिक होते हैं, ये बहुत अच्छी गेम है। ये ओपन वर्ल्ड गेम है जस्ट लाइक GTA 5 और मैक्स फाइन 3 की तरह। ये ओपन वर्ल्ड गेम है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, इसके मैकेनिक्स बहुत अच्छे हैं, इसमें आप बहुत अच्छे से अपनी बगैर ग्राफिक कार्ड के इसको चला सकते हैं। बाद अपने सुपरशिया वर्जन विद इन 2004, ये अपने सुपरशिया की गेम है जो कि आप बगैर विदाउट ग्राफिक कार्ड के आसानी से खेल सकते हैं। जैसा कि जो के भी गेम्स खेलते हैं वो उसको इसको ये गेम्स बहुत ये गेम बहुत पसंद आएगी क्योंकि सुशीन के भी तरह गेम है। सुपरशिया आप मोबाइल में तो खेली होगी लेकिन ये आप कंप्यूटर में भी खेल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है सिस्टम इंटरव्यू 2007, जो कि यूबीसॉफ्ट की प्रोडक्शन है और इसके ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे होते हैं और ये ओपन वर्ल्ड गेम की दुकान है जो कि 2007 में रिलीज हुई थी। हमारे पास आती है क्रैश 2007 की रिलीज है और फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है, जिसमें आप बगैर ग्राफिक कार्ड के आप और ये गेम बहुत सारे फाइट जो है ये बैटल है,
आपको हेल्प कर सकते हैं कि हमारे पास है हाफ लाइफ जो कि 2004 में रिलीज है।